जय श्री राधे। मैं आचार्य प्रसून कौशल, एस्ट्रोलॉजर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का एवं सभी श्रोताओं का स्वागत है। मेरे फैमिली के जितने मेंबर्स देख रहे हैं, आज मैं जो आप लोगों के लिए दिव्य प्रयोग लेकर आया हूँ, इस प्रयोग को यदि आप निकल लिए तो आपको मन चाही नौकरी आपको मिल जाएगी। मन चाही नौकरी, कोरोना काल में अच्छे अच्छों की नौकरी चली गई, प्राइवेट नौकरी चली गई। आजकल सबसे ज्यादा प्राइवेट नौकरी लोगों के पास है, सरकारी नौकरी लग नहीं पा रही है लोगों की। लोग परीक्षा दे रहे हैं, बहुत प्रयास कर रहे हैं, तो जो सरकारी नौकरी के लिए खूब ज्यादा प्रयास कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, उनकी सरकारी नौकरी लग जाएगी। जो प्राइवेट के लिए प्रयास कर रहे हैं उनकी प्राइवेट नौकरी लग जाएगी। जिनके पास कोई नौकरी नहीं है उनको भी कोई ना कोई नौकरी मिल जाएगी इस प्रयोग से। मतलब हर व्यक्ति को नौकरी कहीं ना कहीं रोजगार प्राप्त इस उपाय से हो जाएगा। जो सरकारी के लिए प्रयास कर रहे हैं उन्हें सरकारी में सफलता मिलेगी, जो प्राइवेट के लिए कर रहे हैं उन्हें प्राइवेट मिलेगी। जो ऐसे ही चाह रहे हैं कि मुझे बस कोई ना कहीं से नौकरी कोई मिल जाए जिससे मेरा घर परिवार चल सके, उनको भी वो जॉब मिल जाएगी। बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आज मैं बहुत ही ज्यादा दिव्य बहुत ही सुंदर आपको प्रयोग बताने जा रहा हूँ। और मैं एक बार आपसे बार बार कहता हूँ कि जो लोग सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं या फिर भिन्न भिन्न चीजों के लिए तैयारी कर रहे हैं, वो अपनी कुंडली एक बार अवश्य दिखा लें कि उनकी कुंडली में सरकारी नौकरी का योग है भी कि नहीं है। पता चला नौकरी का योग तुम्हारी अब लगे पड़े हैं तैयारी करने में, लगे पड़े हैं तैयारी करने में, नौकरी नहीं लगी। अब यदि योग गड़बड़ है तो उस योग को सुधारा भी जा सकता है। आपकी कुंडली सरकारी नौकरी का योग तो नहीं है, कुछ गड़बड़ हो रहा है मामला, तो कुंडली दिखवा करके उसको सुधार करिए। उस ग्रह की उपासना करिए, ग्रहों का जाप करिए, ग्रहों की पूजा करिए, ग्रहों का दान करिए, ग्रहों के मंत्रों का जाप करिए, ग्रह सुधर जाएंगे, आपकी नौकरी लग जाएगी। इसलिए कुंडली दिखाना बहुत ज्यादा आवश्यक है। इसलिए बार बार बोलता हूँ कि आप लोग अपनी कुंडली अवश्य दिखाइए कि आपकी कुंडली की नौकरी का योग है भी कि नहीं है, और है तो किस फील्ड में है, वो भी बहुत आवश्यक है। कुंडली दिखाने के लिए आप मुझे अपनी डेट ऑफ बर्थ, बर्थ प्लेस, बर्थ टाइम, अपना नाम मुझे व्हाट्सअप करिए। छोटी सी सेवा राशि रखी गई है, सेवा राशि जमा करके आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। फिर मैं स्वयं आपको कॉल करूंगा और सब कुछ आपको बताऊंगा आपके बारे में, और जो मैं आपको उपाय बताऊंगा घरेलू उपाय बताता हूं मैं, इसमें ज्यादा कोई रुपया खर्च नहीं होता, आपको कुछ भी रुपया खर्च नहीं होता घरेलू उपाय में, बड़े आराम से आप कर लेते हैं। और मंत्रों को जाप, यंत्रों की पूजा आप करिए, जो मैं बताता हूं सब कुछ आपको प्राप्त होगा। नौकरी भी प्राप्त होगी, प्रमोशंस भी होंगे, सब कुछ, एवरीथिंग, सब कुछ आपको प्राप्त होगा। और मुझे बड़ी खुशी होती है कि मेरी फैमिली का कोई भी बंदा खुश होता है, कोई व्यक्ति फैमिली का मेरा प्रसन्न होता है, मुझे बड़ी खुशी होती है। और अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करिए, आपका अपना चैनल खूब सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और बेल आइकन को प्रेस किया करिए सबसे ऊपर वाला, जिससे जैसे ही वीडियो अपलोड हो तुरंत आपके पास पहुंचे। और शेयर ज्यादा से ज्यादा करिए, क्योंकि आपके पास नौकरी नहीं है तो आपके पड़ोसी के पास भी नहीं होगी, आपके रिश्तेदारों के पास भी नहीं होगी। बहुत से लोग नौकरी के लिए परेशान हैं, सबको नौकरी मिल सके। अब देखिए आपको करना क्या है, ध्यान सुनिए, आप बिल्कुल ध्यान सुनिए। महीने का पहला सोमवार, ध्यान सुनिए, जो भी जैसे महीना स्टार्ट होगा उस महीने का जो भी पहला सोमवार हो, उस सोमवार को आपको लेना है एक सफेद कोरा कपड़ा, सफेद कोरा कपड़ा आपको ले लेना है। उसमें आपको भरने हैं काले चावल, ज्यादा चावल नहीं, दो मुट्ठी चावल रख लीजिए। महीने का पहला सोमवार सफेद कोरा कपड़ा लेना है आपको, दो मुट्ठी काले चावल उस कपड़े में डाल के बांध लीजिए। और फिर जाकर के आपको कोई भी आपके घर के आसपास, शहर में, सिटी में, गांव में, कहीं भी काली माता का मंदिर हो वहां पर जाइए और काली माता को चावल आपको कपड़े के साथ अर्पित कर देने हैं। और अर्पित करते समय आपको कहना है, काली माँ कृपा करिए जितनी भी निगेटिव एनर्जी, जितनी भी नकारात्मकता, जितनी भी दोष आ रहे हैं मेरे और नौकरी के बीच में, वो सारे दोष दूर हो जाए, सारी निगेटिविटी दूर हो जाए, मेरे ऊपर कृपा करिए काली माँ, मैं आपके चरणों में चावल अर्पित कर रहा हूँ जो आपको अधिक प्रिय है। ऐसा कह के आपको चावल अर्पित कर देने काली माता के चरणों में, अपनी नौकरी के लिए जो भी आपकी प्रार्थना हृदय की वो आपको प्रार्थना कहनी है। आप देखेंगे जो भी रुकावट आपकी नौकरी के बीच में आ रही होगी सारी रुकावटें दूर हो जाएंगी, बहुत जल्दी आपको जॉब मिल जाएगी, वो सरकारी हो, प्राइवेट हो, अन्य अन्य कोई भी जॉब हो आपको प्राप्त हो जाएगी। जरते बहुत ही श्रद्धा और विश्वास और आस्था से आप उपाय करिए और अपनी कुंडली आप लोग अवश्य दिखाइए कि आपकी कुंडली में सरकारी नौकरी का योग है कि नहीं है, होगी तो कौन सी होगी, कब होगी, किस दूसरे कारण नहीं लग पा रही, तो कुंडली आप लोग अवश्य दिखाइए। मेरी शुभकामना आप सभी लोगों के साथ हैं, आप सभी लोग खुश रहें, आनंद में रहें, राधे राधे।